यही हम लोग छिड़काव करते हैं और एक नंबर का गेहूं काटते हैं। जी जी किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में यूरिया का सही तरीका क्या है देने का, और हमारे किसान भाई गलती क्या करते हैं और कितना यूरिया डालते हैं। यूरिया का एक मात्रक होता है, कितने मात्रा में यूरिया पड़नी चाहिए और हमारे किसान भाई कितनी मात्रा में यूरिया डालते हैं, और इससे फ़ायदा क्या होता है और घाटा क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे, और यूरिया का सही तरीका क्या है देने का। तो पहले हम जानकारी करेंगे, हमारे कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से बात करेंगे कि यूरिया वो किस वे में डालते हैं अपने गेहूं के खेत में। साथ है युवा किसान सुजीत त्रिपाठी जी, इन्हीं से हम बात करेंगे गेहूं में कितना यूरिया डालते हैं और किस प्रकार से डालते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आप बतावें कि हमारे किसान भाइयों को अपना कुछ अनुभव शेयर करें, कैसे डालते हैं यूरिया। जी, पहले तो हम लोग ऐसा था कि हम लोग 20 किलो बीघे यूरिया बोते थे। जी, मतलब 20 किलो बीघा, मतलब कि एक एकड़ में, एक एकड़ में 60 kg। 60 kg जी जी। तो हम लोग एक एकड़ में 60 kg पहले बोते थे। जी जी, अब इस समय केवल हम लोग छिड़काव कर रहे हैं। जी, 1 kg बीघे, 1 kg बीघा, 1 एकड़ में 3 kg यूरिया और 300 ग्राम जिंक। जी जी, यही छिड़काव करते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी बात है जी, यहाँ छिड़काव से और स्प्रेइंग में यही फायदा है जी, कि सर आपका यूरिया का बचत हो रहा है। जी, यूरिया का भी बचत हो रहा है, पैसे का भी बचत हो रहा है, प्लस टाइम का भी बचत हो रहा है। टाइम का भी बचत हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे किसान भाई करते क्या हैं, जो मात्रा है यूरिया की वो अगर तो छिड़काव करते हैं आप तो उसका 2 kg। जी जी, 2 kg सर प्रति हेक्टेयर, 2 से 2.5 kg प्रति हेक्टेयर। जी, आप उसके साथ आप 500 ग्राम जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस ज़्यादा हो जाएगा उसका कोई ज़्यादा वो साइड इफेक्ट नहीं है। जी, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया है, साइंटिफिकली तरीका है गेहूं का बढ़वार करने में। सर, आप कितनी बार डालते हैं ये बताइए आप। हम तो प्रेजेंट टाइम में तो अभी एक बार उसमें 20 kg प्रति बीघे डाले हैं। जी, उसके बाद दूसरी बार छिड़काव के लिए अभी छिड़काव किए नहीं है, लेकिन यही सोच रहे हैं कि पानी चलाने के बाद उसमें एक बार फिर हम छिड़काव कर दें। लगभग 2 बार। जी देखिए किसान भाई, अगर तो आप यूरिया का छिड़काव करते हैं तो एक हेक्टेयर की बात करें तो पहले जो यूरिया डाला जाता था जो वो लगभग एक हेक्टेयर में 140 kg। जी, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। अब उसको आप एक हेक्टेयर में कम करके लगभग एक हेक्टेयर में कितना डालेंगे सर, आप छिड़काव कितना करेंगे? अब एक हेक्टेयर में आप मान के चलिए कि 3 kg यूरिया। जी, और 300 ग्राम जिंक। 300 ग्राम जिंक, ये एकड़ हो गया सर, हेक्टेयर में 6 kg। हाँ, 6 kg यूरिया और 600 ग्राम जिंक। 600 ग्राम जिंक, ये बहुत ही अच्छा मात्रक है गेहूं के लिए। अगर तो आप भी ऐसा करते हैं तो आपका निश्चित ही गेहूं का पैदावार अच्छा होगा, यूरिया का बहुत ज़्यादा बचत हो रहा है। बचत हो रहा है। हम कुछ और किसान से अपनी बात करते हैं। धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। सर, आप कितना यूरिया डालते हैं अपने गेहूं के खेत में? जैसे गांव में लोग जितना डालते थे यही चला आता है कि भाई वो इतना डाले हैं तो हम भी इतना हिला के डाल दें। तो उसमें जैसे 20 किलो लोग डालते हैं प्रति बीघा, तो हम लोग भी 20 किलो ही डालते हैं अभी। लेकिन गांव, हाँ, प्रति बीघा गांव पे एक बार संगोष्ठी लगी थी, किसान संगोष्ठी। जी जी। तो उसमें समझाया गया जितना आप डालते हैं जी उससे अच्छा उसका 10वां भाग चाहे 20वां भाग आप छिड़काव ही कर दीजिए। जी जी। तो उससे आपकी बचत हो जाएगी और फायदा आपको उतना ही होगा। जी। तो इस बार आजमाने की तैयारी है। एक बार तो 20 किलो एक बीघे के हिसाब से डाल चुके हैं। जी जी। लेकिन अब की बार जो है डालेंगे नहीं, छिड़काव नहीं करेंगे। जी। और अब की बार छिड़काव करेंगे जैसे जी जी पानी में स्प्रेइंग करेंगे। स्प्रे करके जी, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, जहाँ यूरिया का बचत भी होता है और आपका जो खेत है वो प्रफुल्लित रहेगा। किसान भाइयों, मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब था कि अपने खेत में यूरिया अच्छी मात्रा में प्रयोग करें, स्प्रेइंग करें। स्प्रेइंग से बहुत सारे फायदे हैं, जहाँ यूरिया का बचत होता है, टाइमिंग का बचत होता है, सर बता रहे हैं, और तमाम प्रकार की बचत होती है। तो आप यूरिया का छिड़काव कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। यूरिया का छिड़काव 100 लीटर पानी में 1 हेक्टेयर में लगभग 6 किलो
यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, 6 किलो से 7 किलो कर सकते हैं, 8 किलो कर सकते हैं। अब इतना चलता है, वैरी करता है, 7-8 किलो। इसके साथ आप 600 या 500 ग्राम जिंक का प्रयोग करेंगे तो अच्छा ही फायदा होगा आपके खेत का, और आपके टाइमिंग भी बचत होगी, और खेत गेहूं उसका सही तरीके से प्रयोग कर पाएगा अपने अंदर। और यहाँ पैसे की बचत होती है, यूरिया की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, तो आपके लिए चारों तरफ से बहुत ही बचत ही बचत है, बहुत ही फायदा है। तो आप स्प्रेइंग करें यूरिया का, जो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।